नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शोएब मलिक ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टूर्नामेंट के लिए टी20 विश्व कप टीम से बाहर होने पर खुलकर बात की। 40 साल के मलिक पिछले टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के महत्वपूर्ण अंग थे। शोएब मलिक इस बार पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं है। इससे पहले एशिया कप में भी मलिक का टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिसके बाद शोएब मलिक ने ट्वीट करके अपनी नाराजगी जाहिर की थी। मलिक ने ट्वीट में कहा था, टीम में दोस्ती और यारी के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है। अब इस पर शोएब मलिक ने खुलकर बात की है। शोएब मलिक को 2022 एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम में जगह नहीं मिली थी। उन्होंने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। यही वजह है कि पाकिस्तान टीम के खराब मिडल ऑर्डर को देखते हुए कई फैंस ने मलिक को वापस टीम में लाने की मांग की थी। वहीं जब पाकिस्तान की टीम एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका से हार गई थी, शोएब मलिक ने ट्वीट करते हुए कहा था, हम कब यारी दोस्ती और पसंद नापसंद के कल्चर से बाहर होंगे। अल्लाह हमेशा ईमानदार लोगों की मदद करता है। इस ट्वीट के बाद लोगों को लगा था कि मलिक टीम के कप्तान बाबर आजम और क्रिकेट बोर्ड से नाराज है। हालांकि अब उन्होंने ऐसी किसी भी चीज से इनकार कर दिया है। एक टीवी शो में बात करते हुए मलिक ने कहा, देखिए मेरा काम है जहां भी मौका मिले वहां पर जाकर क्रिकेट खेलना। सेलेक्ट करना या ना करना वो टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी या फिर पीसीबी के हाथ में है। मैं बस ये देखता हूं कि जहां मौका मिले उसके लिए उपलब्ध रहूं और वहां पर अच्छा प्रदर्शन करूं। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं और इसी वजह से मैं अपने करियर में इतना सफल रहा। मलिक ने पाकिस्तान के लिए आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में खेला था। वहीं 2021 वर्ल्ड कप में मलिक ने 18 गेंदों पर 54 रन की पारी भी खेली। मलिक ने पाकिस्तान के लिए आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में खेला था। वहीं 2021 वर्ल्ड कप में मलिक ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 18 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा शोएब मलिक ने पाकिस्तान सुपर लीग में भी शानदार प्रदर्शन किया है। मलिक ने इस साल PSL में 3 अर्धशतकों के साथ 137 की स्ट्राइक रेट से 11 मैचों में 401 रन बनाए हैं। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।